नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आगामी दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की करीना रक्त कोष में अत्यधिक इजाफा करने के उद्देश्य हेतु भारत के वीर के कियांग नंगवाह की शहादत दिवस के मौके पर 30 दिसंबर 2021 को माई होम इंडिया आजमगढ़ जिला इकाई द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिला मंडलीय अस्पताल के ब्लड बैंक में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के संस्थापक और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवघर मौजूद रहेंगे। उक्त आशय की जानकारी नगर के होटल में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कार्यक्रम के सह संयोजक और भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष अमित लता सिंह ने कहा कि 2 वर्षों समूचा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हमारा राष्ट्र भी अछूता नहीं रहा है। इस महामारी के मद्देनजर देश में रक्त अत्यधिक आवश्यकता सामने आई है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि यह साल जो है बीतने की स्थिति में है और साल के अंतिम दिनों में जो है वह विश्वजीत सिंह पालीवाल द्वारा जो है इस महारक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, यह आजमगढ़ का नहीं पूरे प्रदेश का एक ऐतिहासिक रक्तदान शिविर होगा। और इन्होंने जिस हिसाब से तैयारी किया है, इनसे हम लोगों की बैठक जो है वह 1 सप्ताह पहले ब्लड बैंक में हुई है। इन्होंने कहा है कि लगभग 500 से ऊपर जो है वह रक्तदाता जो है ब्लड देने के लिए आएंगे। हमने उनको बैठने की सारी व्यवस्था, उनको जलपान की सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है। और इसके साथ हम ये बताना आपको चाहेंगे कि इसी आजमगढ़ के समाज सेवियों के वजह से यह आजमगढ़ का ब्लड बैंक उत्तर प्रदेश में 2 नंबर पर जो है इस साल की रैंकिंग में आया है 2021 में। और विश्वजीत सिंह पालीवाल द्वारा जो ये कैंप लगाया जा रहा है 2022 में जो है प्रथम स्थान पर आएगा, ये हम लोग पूरी उम्मीद रखते हैं। और इसके वजह से आजमगढ़ के ब्लड बैंक को 2 उपकरण मिले हैं, यह बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। एक उपकरण आज ही मशीन प्राप्त हुई है जो 1.5 करोड़ रुपए की है, जो यूपी के 5 ब्लड बैंकों को मिली है मेडिकल कॉलेज, जिसमें आजमगढ़ भी है, जिससे अब प्लेटलेट और प्लाज्मा जो ऑटोमेटेड मशीन से 30। देखिए, उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरा राष्ट्र जूझ रहा है और हमारा प्रदेश भी जूझ रहा है, हमारा जिला भी जूझ रहा है। कोरोना के बाद की जो पोस्ट कोरोना की जो बीमारियां हैं उसमें ब्लड की, प्लाज्मा की, रेड ब्लड सेल्स की बहुत सारी ज़रूरत है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर आपको मालूम होगा कि हर पंद्रहवां व्यक्ति के बाद ही कोई दूसरे ग्रुप का ब्लड मिलता है, ज़्यादातर वो पॉजिटिव ग्रुप के ब्लड मिलते हैं। तो हमारे ब्लड बैंक में वो पॉजिटिव ग्रुप का तो ब्लड है, बाकी सारे ब्लड या प्लाज्मा उपलब्ध नहीं है। एक उद्देश्य तो ये है। दूसरा, एक गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिनको इस अवसर पे हम याद कर रहे हैं, कियांग निंगवा। ये मेघालय के खासकर रहने वाले थे और उनका एक छोटा साम्राज्य था। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि 30 तारीख को हम लोग महारक्तदान का शिविर लगा रहे हैं सदर हॉस्पिटल में। माई होम के संस्थापक सुनील देवधर जी हैं, वो आ रहे हैं और हम लोग रक्तदान का इसलिए शिविर लगा रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है और कोरोना जैसी बीमारी में ब्लड की कितनी कमी हुई आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें ब्लड के लिए बहुत दौड़ भाग करना पड़ रहा था। इसलिए हम लोग ये 2 साल से मतलब शिविर नहीं हो पाया था रक्तदान का, इसी की वजह से हम लोग 30 तारीख को महारक्तदान शिविर सदर हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। कितने तीन सौ पार का। होर्डिंग लग रहे हैं, हैंडबिल बट रहे हैं और भी संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सभी संस्थाओं से भी बातचीत चल रही है, एक दूसरे के डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं और एक कह रहे हैं कि ये मतलब इस दिन शिविर लग रहा है, आप लोग आइए। जो रक्तदान को लेकर भ्रांतियाँ हैं उसको आप कैसे मतलब लोगों को जागरूक किया जाए? रक्तदान को लेकर जो भ्रांतियाँ महिलाओं में हैं कि ब्लड कम हो जाता है, प्लाज्मा कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम, ये सब गलत बातें हैं। अगर आप महिलाएँ अगर रक्तदान करें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं खुद